हाँ जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयनु। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के गुलगुले। बेहद सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं ये खाने में। हमने लेना है एक बाउल, उसके अंदर हम लेंगे 150 ग्राम गेहूं का आटा, इसको आप छान लीजिएगा। साथ ही साथ में हमने 75 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, इसको हमने गर्म पानी मिला के पिघला लिया था। दोस्तों, बहुत लोग जो आपके गुलगुले होते हैं वो चीनी के साथ भी बनाना पसंद करते हैं, बट हमने यह गुड़ यूज़ किया है क्योंकि गुड़ सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसके अनेकों फ़ायदे हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तब इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके बैटर बनाना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए है और बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने मिलाना है इसको, सो दैट आपका जो कंसिस्टेंसी है वो आपको सही तरीके की मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बैटर मिला लिया है, और बैटर मिलाने के साथ साथ में हम एक तरफ कढ़ाई चढ़ा के रख देंगे और कढ़ाई में हमने तेल डाल देना है क्योंकि हमने इनको उसके अंदर तलना है। साथ ही साथ में हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है, छोटा चम्मच यूज़ किया है ताकि अच्छे से ये जो आपके गुलगुले हैं ये अच्छे से फ्लफ़ी बनेंगे। तो जब आपका जो बैटर है अच्छे तरीके से इस कंसिस्टेंसी का हो जाए, आप इसको करीबन 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको फ्राई करने के लिए यूज़ कीजिए। एक तरफ अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब जो हमारा बैटर बना हुआ था आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने उसको हैंड में लेके छोटे छोटे बॉल्स की तरह उसको तेल के अंदर डालना है और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुंदर हमारा बैटर बना हुआ है, इस तरीके से कैसे ये फ्लोट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इनको तलेंगे मीडियम फ्लेम पे और ये पकने लगेंगे, इस तरीके से ये खुद ही इस तरीके से फ्लोट करने लगते हैं तेल के ऊपर। बहुत हल्के हो जाते हैं, लाइट वेट होते हैं और बेहद आप जैसे जिस शेप का इनको ड्रॉप करेंगे उस शेप के ही ये तल के बाहर निकलते हैं दोस्तों। अब हमने इसको थोड़ी देर तक पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। अब इस तरीके से हम बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे, चलाते भी रहेंगे, सो दैट ये जले ना और इसको टाइमली हमने बाहर निकाल लेना है। बेहद ही इजी रेसिपी है, आप घर पे बना के देखिएगा। इंस्टेंट स्नैक है, हल्का मीठा होता है, या आप किसी भी चाय नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा चिली के साथ में खा लीजिए, मिर्च के अचार के साथ खा लीजिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और ऐसे भी आप खा लें बहुत ही बेहतरीन लगते हैं और आराम से आपके 1 हफ्ता 10 दिन ये कहीं नहीं जाते। आप इनको अच्छे से स्टोर करके रखिए और बेहद ही बढ़िया टेस्ट देते हैं दोस्तों। होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक शेयर कर देना हमारा वीडियो, साथ ही साथ में हिट लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हमारी इजीएस्ट रेसिपी आपके पास में पहुंचते रहें और आप बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें और स्वस्थ रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।